जय हिंद कैडेट्स। तो आई होप आप सभी घर पे रह के ठंड में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, या किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके साथ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत खुशी का दिन है और दिल में धक धक हो रही थी, पता नहीं कि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है कहीं पोस्टपोन ना हो जाए। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखी मैंने, जिन जो ये कह रहे थे कि भैया हमारी तो NTA में बहुत अच्छी जान पहचान है, वहाँ के बंदों से हमें ये खबर पता चली है कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होने वाला है। इन बातों के ऊपर, ये सिर्फ अफवाहें हैं, इन बातों के ऊपर कतई विश्वास ना करें। कभी भी NTA का बंदा कोई लीक नहीं करेगा कि पेपर कब है कब नहीं है, जो उन्होंने वेबसाइट के ऊपर डाला है पेपर उसी दिन होगा। अगर कोई अपडेट उनकी तरफ से आता है तभी आपने मानना है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनका लगातार कॉल आ रहा है, सर पेपर कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो गया, पेपर कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो गया। बट आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि कल यानी 5 तारीख को एडमिट कार्ड जो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए हैं 2023-24 के लिए, वो आपके रिलीज हो चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये भी मन में टेंशन थी एक तरीके से कि हम तैयारी तो कर रहे हैं पर पता नहीं कहीं पेपर पोस्टपोन ना हो जाए। ठीक है जी, तो सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। AISSEE.NTA.NIC की वेबसाइट के ऊपर जाना है और जो भी आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे अपने पास रख लें संभाल के, 8 तारीख को पेपर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, इसी के साथ गुड लक टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अब बात आती है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्लास चाहे वो क्लास 6 वाले हों चाहे वो क्लास 9 वाले हों। क्लास 6 के लिए हमें मालूम है 2.5 घंटे का समय मिलेगा और क्लास 9 के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। क्लास 6 का जो इस बार RMS का लेवल आया था GK में, काफ़ी हार्ड मैं कहूँगा, काफ़ी अच्छा लेवल डाला था UP पुलिस का या फिर किसी भी स्टेट लेवल की पुलिस का, उन्होंने इस बार GK डाल दिया था। सैनिक स्कूल की हम उम्मीद कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, इजी को मैं नहीं मान के चलूँगा। और 9th क्लास में अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो वो भी मॉडरेट टू हार्ड रहने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी रहने वाले हैं जहाँ पर हो सकता है आपकी गरारी अट जाए, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दूसरा, बहुत बार ये देखा गया है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे पहले बच्चे जो मैथ्स में अच्छे हैं वो क्या करेंगे, मैथ्स का हिस्सा पोर्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं। गलती उनसे ये हो जाती है कि मान लो बीच में से स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उनसे तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो पूरा का पूरा पेपर ही वो ये मान के चलते हैं कि बहुत हार्ड आने वाला है। नहीं, जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है फिलहाल उसको छोड़ दें, ठीक है, और जहाँ पर आपको लग रहा है मैं अपना जहाँ बेस्ट दे सकता हूँ, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, कोशिश करिए 200 में से 200 मार्क्स ही लाने हैं। यदि आप 200 का 200 टारगेट लेकर चलोगे तभी आप 180-190 के बीच में चल पाओगे। यदि आपने टारगेट ही मन में ये बसा लिया कि बस मुझे तो भाई 50 नंबर लाने हैं 60 नंबर लाने हैं, तो यकीन मानिए आप 10 या 20 में भी नहीं रुक पाएंगे। क्लियर है चीज़ें। इंग्लिश का जो लेवल है क्लास 6 एंड क्लास 9, अभी मैंने RMS का पेपर अभी डिस्कस किया था बच्चों के साथ, तो मैंने देखा कि इंग्लिश का जो लेवल है कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो दोनों क्लासेज में सिमिलर थे, दोनों क्लासेज में कॉमन थे, दोनों क्लासेज में सेम थे। तो अभी भी हमें यही उम्मीद है कि RMS अभी जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा उसमें जो इंग्लिश का लेवल रहने वाला है वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। GK की बात करूंगा, SST की बात करूंगा, वो भी काफ़ी अच्छा लेवल रहने वाला है। आई होप आपने अच्छे से तैयारी करी होगी जहां भी आप पढ़ रहे हैं। तो सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम देना है उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जाँच लें, अपने ID कार्ड अपना एडमिट कार्ड अच्छे से जाँच लें, अपने पास जो है किट कम्प्लीट करके रख लें। कोरोना का समय है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड के ऊपर दी हैं उनको अच्छे से फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।